to my channel. This is me Bobby and you are watching Unicorn Bobby channel. So guys, I hope आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे. तो guys, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी एक प्रोडक्ट की रिव्यू. वीडियो की थंबनेल देखकर ही आपको पता चल गए होगा कि आज मैं कौन सी प्रोडक्ट की रिव्यू शेयर करने वाली हूँ. तो guys, हाँ guys, मैं आज मामा अर्थ की टी ट्री फोमिंग फेस वॉश की जो रिव्यू है वो शेयर करूँगी एंड इस प्रोडक्ट के साथ मेरी एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी. तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं. बट उससे पहले मेरे चैनल पे आप नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिए मेरी ऑल लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए. सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. गाइस, फर्स्ट में हम इस प्रोडक्ट के आउटर पैकेजिंग के बारे में मैं आपको कुछ डिटेल्स दूंगी. तो गाइस, ये जो प्रोडक्ट है इसका साइज थोड़ा सा लार्ज है बट जो अंदर में जो प्रोडक्ट है उसका साइज ज़्यादा नहीं है, मीडियम है. तो इसमें इस प्रोडक्ट की फुल डिटेल्स लिखा है. तो गाइस, ये जो प्रोडक्ट है ये मामा अर्थ ब्रांड की है जो एक स्किन केयर एंड हेयर केयर की बहुत अच्छी ब्रांड है. एंड ये जो प्रोडक्ट है ये टी ट्री फोमी फेस वॉश है गाइस. टी ट्री गाइस पिंपल प्रोन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड इसमें सैलिसिलिक एसिड भी है जो कॉम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है. सैलिसिलिक एसिड पिंपल्स और एक्ने से बहुत अच्छे से फाइट करता है एंड आपकी फेस को हेल्दी एंड क्लियर रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट में नीचे लिखा है ये प्रोडक्ट फॉर एक्ने एंड पिंपल एंड इसमें लिखा है ये पैराबेन एंड सल्फेट फ्री है, डर्मोलॉजिकली टेस्टेड है एंड सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप. ये प्रोडक्ट 150 ml की है एंड यहाँ पर गाइस पीछे इस साइड में ये प्रोडक्ट की डिटेशन एंड टिप्स ऑल ओवर इसमें मेंशन है. तो गाइस, ये प्रोडक्ट को आप यूज़ करने से पहले आपकी जो फेस है उसको थोड़ा सा डैम्प कर लेना है, मतलब वेट फेस में ये प्रोडक्ट को यूज़ करना है आपको. ये प्रोडक्ट मैन एंड वोमेन दोनों ही यूज़ कर सकते हो. आपकी एज 15 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए. एंड गाइस, इसमें फिर से लिखा है ये प्रोडक्ट ऑल स्किन टाइप के लिए है. तो ये हो गया इस प्रोडक्ट की साइट की जो ऑल ओवर जो डिटेल्स था वो मैंने आपको बता दिया. तो उसके बाद गाइस, ये इस साइट में इस प्रोडक्ट की प्रोडक्ट डेट, एक्सपायर डेट, MRP ऑल ओवर लिखा है. तो गाइस, ये प्रोडक्ट की जो डेट है वो है 3/3/2021 एंड जो एक्सपायर डेट है वो है 2/2023, मतलब 2 ईयर्स तक इसका प्रोडक्ट डेट है. बट गाइस, आप ये प्रोडक्ट को आई थिंक 1 से 2 मंथ यूज़ कर सकते हो आराम से. इस साइड में इस प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट्स लिस्ट है, इंग्रेडिएंट लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हो. एंड गाइस, ये प्रोडक्ट क्रुएल्टी फ्री एंड वेगन फ्री है. तो ये हो गया इस प्रोडक्ट की आउटर पैकेजिंग. तो अब गाइस, ये जो अंदर की जो प्रोडक्ट है वो मैं आपसे शेयर करूंगी. तो गाइस, अंदर में प्रोडक्ट कुछ इस काइंड ऑफ है एंड गाइस आप देख सकते हो इसका जो साइज है मीडियम है और इसमें एक कवर भी है इस टाइप की, जस्ट आपको इसको प्रेस करना है. तो इसमें बहुत अच्छा एक सॉफ्ट ब्रश है जो आपकी फेस को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, आपकी फेस को हार्श नहीं करेगा. एंड इसमें फिर से ये प्रोडक्ट जो पैकेट में लिखा था वो ही इसमें है. तो गाइस, ये था इस प्रोडक्ट की जो लुक, ओवरऑल लुक गाइस ये है. एंड ये जो प्रोडक्ट है गाइस, ये फोमिंग फेस वॉश है. फोमिंग फेस वॉश ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि गाइस, एक्सेस जो ऑयल है उसको बहुत अच्छे से रिमूव कर देती है फोमिंग फेस वॉश. तो ये हो गया इस प्रोडक्ट की जो आउटर पैकेजिंग तो था वो. अब गाइस, इस प्रोडक्ट के साथ मेरी जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर करूँगी. गाइस, ये जो प्रोडक्ट है ये मैं 1 वीक से यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद ही आपके साथ इस प्रोडक्ट की रिव्यू शेयर कर रही हूँ. तो गाइस, फर्स्ट मैं बता देना चाहती हूँ ये प्रोडक्ट है एक्ने प्रोन स्किन के लिए नहीं है क्योंकि गाइस, इसमें एक जो ब्रश है ये ब्रश आप जब इस फेस वॉश से आपकी फेस को क्लीन करोगे तो ये जो ब्रश है ये आपकी पिंपल के ऊपर जब आप रब करोगे तो गाइस, ये जो ब्रश है ये आपकी पिंपल्स को हर्ष कर सकती है. आप उसके बाद आपकी फेस में ब्रेकआउट्स एंड पिंपल्स ऑल ओवर स्प्रेड हो सकता है, इसलिए मैं ये जो प्रोडक्ट है ये जिनकी फेस में बहुत ज़्यादा पिंपल्स है मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगी. ये जो प्रोडक्ट है ये क्लियर स्किन के लिए है.
पिंपल्स नहीं है, ब्रेकआउट्स नहीं है, वो ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। गाइस आप क्लियरली देख सकते हो मेरे फेस में अभी, मतलब अभी मेरे फेस में कोई भी पिंपल्स, एक्ने कुछ भी नहीं है, मेरे फेस क्लीन है। इसलिए ये गाइस ये प्रोडक्ट मेरी टाइप स्किन टाइप के लिए ये प्रोडक्ट अच्छा है, बट पिंपल्स प्रोन स्किन के लिए ये प्रोडक्ट नहीं है। बट इसमें मेंशन है कि ये पिंपल एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए है, पर ये प्रोडक्ट ठीक ठाक है। एंड गाइस और एक बात, ये प्रोडक्ट में टी ट्री है, जो टी ट्री फेस वॉश एक्ने प्रोन स्किन के लिए अच्छा होता है, बट ये ब्रश नहीं होता तो ये फेस वॉश आपको सूट कर जाता। तो ये एक माइनस पॉइंट है इस प्रोडक्ट की। फास्ट यूज़ में मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरी स्किन पे, क्योंकि गाइस ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छे से आपकी फेस को क्लीन करती है। मतलब आपकी फेस में जो भी बचा कुचा मेकअप रह जाएगा वो ये बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। नॉर्मल फेस वॉश आपकी फेस से मेकअप को जो है रिमूव नहीं कर सकता, वो ये फेस वॉश कर देगा, आपको डीपली क्लीन करता है। एंड आपकी इसमें एक ब्रश है जो आपके फेस को एक्सफोलिएट करेगा, बहुत ज़्यादा जेंटल है ये आपके फेस के ऊपर। और डेली में जो हमारी जो डेड स्किन सेल्स है उसको भी ये रिमूव कर देती है। एंड ये गाइस एक्सफोलिएट के टाइम गाइस आपकी फेस थोड़ा सा मसाज होगी, एंड मसाज की टाइम जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रमोट होती है एंड आपकी स्किन अंदर से ग्लोइंग होती है। इसको यूज़ करने के बाद ये मेरी स्किन जो है क्लियर हो गया, ग्लोइंग हो गया। प्राइस के अकॉर्डिंग भी ये प्रोडक्ट अच्छा है। इसमें 150 ml ये प्रोडक्ट है, जो आप मैंने बताया 2 months तक आप आराम से यूज़ कर सकते हो। बट गाइज ये जो प्रोडक्ट है मैं इसको डेली यूज़ नहीं करती, मैं इसको आई थिंक दिन में एक बार ही यूज़ करती हूँ, नाइट पे या फिर मॉर्निंग में, मुझे जब भी अच्छा लगता है यूज़ करना तब भी मैं यूज़ करती हूँ। बट मतलब ऑल ओवर ये फेस वॉश बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, एंड मेरी फेस में तो इसको यूज़ करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखा मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये प्रोडक्ट। एंड मेरी फेस में जो छोटे मोटे जो बम्स थे, टाइनी बम्स थे, उसको भी ये रिमूव कर दिया है, क्योंकि गाइस इसमें टी ट्री है, टी ट्री फेस को क्लियर रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश मुझे बहुत दिन से लेना था, इसलिए टी ट्री एंड सैलिसिलिक दोनों ही मुझे मिल गया इस फेस वॉश में, जो बहुत ज़्यादा अच्छा है एक्ने प्रोन स्किन की। मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बट अभी मेरी स्किन थोड़ा सा ठीक ठाक है, मतलब पिंपल्स एंड ब्रेकआउट थोड़ा सा कम हो रही है, तो इसलिए मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकती हूँ। ड्राई स्किन के लिए फोमिंग फेस वॉश अच्छा नहीं होता, क्योंकि गाइस ड्राई स्किन वालों की पहले से ही स्किन ड्राई होता है, एंड फोमिंग फेस वॉश आपकी स्किन से यूज़ करने के बाद गाइस आपकी फेस और भी थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। तो आप जिनके फेस ड्राई स्किन हो उनको थोड़ा सा ऑयल बेस्ड कोई भी फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, तो इसलिए ड्राई स्किन वालों को भी आई थिंक ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगेगा। बट ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइस। इस प्रोडक्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप कोई भी ऑनलाइन साइट से ले सकते हो, या फिर आप कोई भी आपकी लोकल स्टोर से ये प्रोडक्ट ले सकते हो। मैं इसको लोकल स्टोर से ही 15% ऑफ में लिया है मैंने ये प्रोडक्ट, मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड मामा अर्थ के ऑल ओवर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा ही होती है, एंड मैं ये जो प्रोडक्ट है बहुत दिनों से लेना चाहती थी बट हो नहीं पाया, तो फाइनली मैं ले लिया एंड मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। एंड और एक बात गाइस, ये प्रोडक्ट कैसे आप यूज़ कर सकते हो उसकी भी वीडियो है मेरे चैनल पे, मैं आई बटन में मैं इसको दे दूंगी, आप उसको क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा गाइस, हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। एंड गाइस एक वीडियो आपको पसंद आई है या नहीं मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो, कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। एंड गाइस ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो गाइस यही था आज की वीडियो, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।